हेलो फ्रेंड्स, जीएसएम हेप्पू चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास है वीवो Y12S, इसमें पैटर्न लॉक है। तो ये फ़ोन क्वालकॉम सीपीयू है, तो आपको पीछे से ढक्कन निकालना पड़ेगा और ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको पहले ईडीएल पॉइंट बता देता हूँ, दो पॉइंट है वो शॉर्ट करना पड़ेगा, तब जाके फ़ोन ईडीएल में जाएगा, फिर पैटर्न अनलॉक होगा। तो पहले मैं डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। अब मैं फोन को कनेक्ट करता हूं। फोन कनेक्ट हो गया है, पोर्ट में आप देख सकते हैं क्वालकॉम आ गया। ये आना जरूरी है, तब जाके फोन अनलॉक होगा। यहाँ पे वीवो सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे जो मॉडल है वो सिलेक्ट करना है V11 Pro। उसके बाद वीवो FS FRP पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। फोन अनलॉक हो गया है, चालू करके हम चेक कर लेते हैं। फ़ोन चालू हो गया है, स्टार्ट पे क्लिक करके नॉर्मल चालू कर देते हैं फ़ोन। तो इस तरह आप पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे चैनल जीएसएम हेल्पफुल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।